बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश के विरोध में आज किसानों ने जनपद में 70 स्थानों से ज्यादा जगह पर जाम लगाते प्रदर्शन कर धरना दिया और सरकार से किसी अध्यादेश वापस लेने या फिर ये गारंटी देने की मांग की कि कोई भी व्यापारी नियंत्रित मूल्य से कम दाम पर किसानों की फसल की खरीद नहीं करेगा और अगर ऐसा करता है तो उस व्यापारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। किसानों ने जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा संगठनों ने आज जनपद में 70 से ज्यादा स्थानों पर रास्ता जाम किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। किसानों ने दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर भी कई स्थानों पर जाम लगाया। इस जाम के चलते नेशनल हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। किसानों का साफ कहना है कि फिलहाल तो इस बार सांकेतिक जाम लगाया गया है, अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो आगे इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या मुख्य मांगे? देखो, जो भारत सरकार के द्वारा कृषि पर 3 अध्यादेश लाए गए हैं, इनका मुख्यतः मुख्य रूप से इनका विरोध है और भारतीय किसान यूनियन और किसान संगठनों की ये डिमांड हमारी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारत की सरकार खरीद की गारंटी दे और उसके आधार पर जो खरीद होनी चाहिए। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर कोई व्यापारी या कोई आढ़ती खरीदता है तो उस पर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी भारत सरकार किसान लोग उदय, ये हमारी जो मुख्य रूप से एक सूत्रीय डिमांड। अच्छा, चक्का जाम कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा आज? चक्का जाम हमारा 11 बजे से 3 बजे तक का है, ये आज सांकेतिक है और अगर सरकार नहीं सुनती है, आज पूरे देश का किसान सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इससे पहले भी 21 तारीख को हमने चक्का जाम किया। बिजनौर जनपद में लगभग 75 जगहों पर चक्का जाम है, हर गाँव के सामने किसान सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बिजनौर जनपद के अंदर लाखों किसान सड़कों पर है, आज हर जगह हर गांव के सामने सड़कों पर है।